पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा 2019 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद देश भर में भाजपाई झूम रहे हैं। आज देश की राजधानी में मोदी की नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मुरादाबाद के भाजपा कार्यकर्ता मोदी की जीत का जश्न मनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने 303 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया, जिसके चलते देश भर में भाजपाई उल्लास से भरे हुए हैं। तय तिथि के अनुसार आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी भाजपा के कार्यकर्ता मोदी सरकार के स्वागत में खुशियां मनाने में लगे हुए हैं। मुरादाबाद में मेयर विनोद अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपाई सड़कों पर हैं और जश्न मना रहे हैं। ये भाजपाई दोबारा मोदी सरकार बनने की जहां सबको बधाई देते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी भी हो रही है। इस अवसर पर भाजपा की महिला विंग भी पीछे नहीं है। ये भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने में लगे हैं। सबका साथ सबका विकास और इस बार सबका विश्वास, नए भारत का उदय, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगारों के लिए काम और देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों के लिए हमारे जितने भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग हैं, सभी समाज के लोगों के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया है, जो एक आंदोलन ले लिया है जिसने, आज इसी कारण 353 का आंकड़ा आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी किसी भी सरकार ने अगर दोबारा इस भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर अगर कोई अपना काम करके दिखाया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व और हमारे उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज भारत के 130 करोड़ लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है और सबको ये लगा है कि अगर ये देश आगे बढ़ सकता है और भारत का विकास हो सकता है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो हमारे घटक दल हैं उन सब के साथ मिलकर। आज आप देख रहे हैं कि आज दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की है, इसके अंदर हमारे सभी घटक दलों के एमपी को भी मंत्री बनाया गया है। आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ भारत में पुनः प्रधानमंत्री बने हैं,
उनकी जश्न आज हम सब लोगों ने मिलकर कमल रंगोली बनाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भरपूर आतिशबाजी। उनका एक ही नारा सबका साथ सबका विकास, मुझे पूरा विश्वास है जिस अखंडता के साथ मोदी जी पूरे भारत करते हैं और ये पुनः ही सब ये पुनः दिन है हम सब मिलकर इस दिन को उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री जिसने भारत देश को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दोबारा शपथ ग्रहण समारोह पर मुरादाबाद एक्सपोर्ट सिटी ब्रा सिटी बहुत ही आनंदित है। और यहाँ पर जो उत्साह है उसके अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो भी उपाय किए हैं, उससे ही हमारी जो देश है तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जो देश की बढ़ती जनसंख्या है अब उसको रोकने के कदम बढ़ाने चाहिए ताकि जो है हमारा देश जो हमारी आर्थिक और जो हमारी नीतियाँ हैं उसके अंदर थोड़ी सी तरक्की हो सके और जातिगत उससे भावना से उठ करके हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जो जाति जात पात का जितना भी ये है इसको खत्म कर देना चाहिए। एक हिंदुस्तान एक देश एक हिंदुस्तान, यही मेरा भारत है। जय हिंद जय भारत।